चैप्टर नंबर 11 साउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने साउंड से रिलेटेड एक टॉपिक अपलोड किया है। साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी एंड हाउ वी शुड प्रूव दैट बाय एक्सपेरिमेंटल वर्क। साउंड नीड्स फॉर मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, साउंड को वास्ते की जरूरत है। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हैं। मैंने यहां पे 4 करैक्टरिस्टिक्स मेंशन की हैं। मेरी कोशिश होगी इस शॉर्ट से टाइम में मैं आपको ये चारों करैक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर सकूं। नंबर 1, लाउडनेस ऑफ साउंड। माय डियर स्टूडेंट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। भारी आवाज और धीमी आवाज में हम डिस्टिंग्विश करने को हम क्या कहते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा, लाउडनेस ऑफ साउंड आगे फिर सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कभी कभी ये सिर्फ सेपरेट टॉपिक आता है। व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 3 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर मैंने आपके लिए खुद से लिखा है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। लाउडनेस, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं की वर्ड्स को प्लीज, ये आपने जरूर इसमें लिखने हैं। लाउड एंड फेंट साउंड में जो डिस्टिंग्विश करे दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, फर्स्ट फैक्टर लाउडनेस का। व्हेन यू कैन स्ट्राइक, लाउडनेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। इफ यू कैन स्ट्राइक स्लो ऑन अ ड्रम, एम्पलीट्यूड उसका लेस होगा। ये मैंने एक छोटी सी फिगर की ट्राई की है, ये एम्पलीट्यूड उसका क्या है, कम है, लाउडनेस कम होगी, ठीक है, लो लाउडनेस होगी। व्हेन यू कैन स्ट्राइक फोर्सफुली ऑन अ ड्रम तो एम्पलीट्यूड बिकम्स टू बी इंक्रीज। सो दिस लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ये देखें, लार्ज एम्पलीट्यूड मैंने शो किया। दिस मीन्स कि यहां पे हाई लाउडनेस होगी। माय डियर स्टूडेंट, मैंने छोटे से स्पेस में, मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये एक फिगर है, इसका एम्पलीट्यूड मैंने कम शो किया है, इसका एम्पलीट्यूड लार्ज। तो लार्जर एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, वी हेयर द लाउड साउंड, ठीक है। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउड साउंड होगी, जितना एम्पलीट्यूड लो होगा लेस होगा, उतनी साउंड कम होगी। सेकेंड फैक्टर लाउडनेस का, पहले मैं आपको लाउडनेस कंप्लीट करूं। दूसरा फैक्टर है लाउडनेस का एरिया। एरिया ऑफ लाउडनेस भी आपने देखा, स्मॉल ढोलक एंड लार्ज ड्रम, जिसका एरिया ज्यादा होता है ऑटोमेटिकली उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होती है, ठीक है। कैसे, एरिया ऑफ लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। लार्जर द एरिया ऑफ द ड्रम मोर लाउड इज गोइंग टू बी हियर, ठीक है। अगर स्मॉल एरिया है तो लेस उसकी लाउड जो है ना, वो लाउडनेस लेस होगी। पॉइंट टू बी क्लियर कि बड़े ड्रम का एरिया लार्ज है, उसकी साउंड ज्यादा है, हाई लाउडनेस है, और छोटी जो ढोलकी है उसका एरिया कम है, उसकी लाउडनेस लेस है। डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये जरा गौर से समझिएगा, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल अबाउट प्लेटफॉर्म। ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी लेस, लाउडनेस इज गोइंग टू बी हाई। इफ ट्रेन हॉर्न बजाती हुई मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म तो लाउडनेस क्या होगी, माय डियर स्टूडेंट्स, लेस। ट्रेन की एग्जांपल आपने याद रखनी है, इसको अपने वर्ड्स में एक दो सेंटेंस लिख लीजिएगा। सो डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स के सब फैक्टर्स भी आपको मैंने बताए हैं, और चौथा फैक्टर जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि बहुत जरूरी है कि आपको ये 4 फैक्टर भी पता होना चाहिए, लेकिन बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स ही लिखे जाते हैं। आपने देखा है, सम पीपल्स आर हैविंग हेयर, ईयर उनके होते हैं, बट दे नेवर एवर टू साउंड द हर्ड, दे नेवर एवर टू हेयर द साउंड। दिस मीन्स के देर इज सम इंटरनल फिजिकल प्रॉब्लम्स,
जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैटर करती हैं, वो भी लाउडनेस के साथ फैक्टर है। सेकंड क्राइटेरिस्टिक माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड फैक्टर को जरा प्लीज, ये मैं आपके लिए ताकि थोड़ा सा आप जब स्क्रीनशॉट लें तो आपको क्लियर हो। क्रैक्टेरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश श्रिल एंड ग्रेव साउंड, ये दो वर्ड आपके लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, श्रिल एंड ग्रेव। ओके, लेडीज की, चिल्ड्रन की साउंड श्रिल होती है, बारीक आवाज होती है, मेन की ग्रेव, दबी आवाज, मोटी आवाज होती है। ऐसी क्राइटेरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश श्रिल एंड ग्रेव, ये दो वर्ड्स यहां पे लाउड एंड फेंट थे, यहां पे श्रिल एंड ग्रेव है, इससे पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकंड, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन पास होती है विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ये मैंने पहले एक लेक्चर में बता दिया फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी, इसकी नंबर ऑफ वेव कम पास हो रही है ना, वन वन एंड हाफ, ये नंबर ऑफ वेव ज्यादा पास हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसकी लो है। ओके, तो ये पिच, किसकी पिच हाई होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, क्योंकि पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। सो यहां पे मैंने ये एक एग्जांपल दी है, पिच ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन हायर देन दैट ऑफ मेन, क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो वुमेन और चिल्ड्रन की हाई फ्रीक्वेंसी है तो उनकी हाई पिच होगी, मेन की लो फ्रीक्वेंसी है तो इनकी लो पिच। तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है ये पिच ऑफ साउंड है। चलें जी, थर्ड क्राइटेरिस्टिक्स, क्वालिटी ऑफ साउंड, दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस सेम पिच। ये भी अजीब बात है कि लाउडनेस भी सेम है उसकी माय डियर स्टूडेंट्स, पिच भी सेम है, इवन यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू और मोर देन टू साउंड्स। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी है, ट्यूनिंग फोक, फ्लूट, क्लैरिनेट, ये थ्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ट्यूनिंग फोक तो खैर वो आपको मैंने लैब में दिखाई थी कि ट्यूनिंग फोक का एक सेपरेट मैकेनिज्म है, ये है जब स्ट्राइक करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी मैंने वेव शो की है। अभी देखें इसका तमाम का लाउडनेस सेम है, इसकी भी सिर्फ उसमें क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें इनकी क्वालिटी सबकी डिफरेंट है, इसकी क्वालिटी और है, इसकी क्वालिटी और है, क्लैरिनेट की क्वालिटी और है, इवन दे आर हैविंग सेम लाउडनेस, लाउडनेस और पिच तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की सेम है, इवन यू कैन डिस्टिंग्विश। इसकी मैं एग्जांपल दूं, आप रूम से आउटसाइड है, फ्लूट अगर रनिंग पोजीशन में है तो विदाउट सीइंग ऑफ फ्लूट यू कैन जज इट के जी ये साउंड किसकी है। अच्छा, उसी अगर पिच की, उसी लाउडनेस की अगर हम क्लैरिनेट एक लंबा सा वो होता है इंस्ट्रूमेंट जो कि अक्सर बजाया जाता है, अगर वो बज रही हो तो आपने उसको देखा नहीं है लेकिन आप बताएंगे ये फ्लूट नहीं है ये क्लैरिनेट है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोक, फ्लूट, क्लैरिनेट, इवन हैव अ सेम लाउडनेस पिच, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ऑल साउंड्स, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। पॉइंट टू बी क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे माय डियर स्टूडेंट आपको मैं लेके जाऊंगा अभी, फोर्थ क्राइटेरिस्टिक्स इसके, ये जनाब आपने तीसरी, फोर्थ क्राइटेरिस्टिक्स बेस्ड अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी चूंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू आ, ये देखें एक मैं वर्टिकल एरिया ले रहा हूं, ये वर्टिकल एरिया है, ये साउंड पास हो रही है, ये एरिया परपेंडिकुलर है, ओके, ये साउंड पास हो रही है, साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू इन अ यूनिट एरिया इन वन सेकेंड, यूनिट एरिया इन वन सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, जिस साउंड में डायरेक्शन प्रोपेगेट ट्रेवल कर रही है,
ये जितनी साउंड इस यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में पास करेगी विच इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड. पॉइंट टू बी क्लियर. ये अक्सर शॉर्ट आंसर आता है, इसको जरा दोबारा सुने. इंटेंसिटी इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी है और ऐसे यूनिट क्या होगी इसकी, वॉट पर मीटर स्क्वेयर. ये मैं इसको हाईलाइट किया, ये अक्सर एमसीक्यू आता है डियर स्टूडेंट्स. वॉट, क्योंकि बाकी लाउडनेस पिच ये सारी की सारी ये हम ऑब्जर्व करते हैं, ये हम मेजर नहीं कर सकते. ड्रम बज रहे आप उसको मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं. ओनली इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है. तो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, ये मैं 2 पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूं. पर सेकेंड यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ये 3 वर्ड हैं कि साउंड एनर्जी जो पास करे 1 सेकंड में थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड. माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी सी कोशिश है ताकि मेरे स्टूडेंट्स को आराम से बैठ के करैक्टरिस्टिक्स, ये टॉपिक भी है कम शॉर्ट आंसर. अगर ये आता है सेपरेट व्हाट इज लाउडनेस, तो आप लाउडनेस को डिफाइन करेंगे. अगर टॉपिक नहीं है तो फिर सिर्फ नाम लिख देंगे आप, एक्सप्लेन ही उनको करेंगे. पिच ऑफ साउंड अगेन अ शॉर्ट आंसर, क्वालिटी ऑफ साउंड अगेन अ शॉर्ट आंसर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगेन अ शॉर्ट आंसर. आई होप कि जब आप इन तमाम शॉर्ट आंसर को कंबाइन करेंगे तो आपका ये टॉपिक बन जाएगा. व्हाट इज साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. माय डियर स्टूडेंट्स, का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में आराम से इसको रिवाइज करें, अपने वर्ड्स में लिखें. थैंक यू.